हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीसीए के सिलेबस को। जी हाँ, तो जो बीसीए का सिलेबस है वो आता है आपके आईपीएस से, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से, जो कि आपके सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करवाता है। तो आइए देखते हैं बीसीए का सिलेबस और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो सबसे पहला आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, सर्किट एनालिसिस है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग है और कम्युनिकेशन स्किल है, बिजनेस स्किल्स है, बिजनेस सिस्टम है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके आने वाली लाइफ में जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे तो आपको ये बहुत ही काम आने वाली है। तो ये जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिक्स है, सर्किट एनालिसिस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग है और कम्युनिकेशन स्किल है, बिजनेस सिस्टम है, ये सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है चीज़ें, अच्छा सिलेबस है। और अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो ये मैथमेटिक्स सेकंड है, अभी इसके बारे में देखेंगे आगे और चीज़ें कि ये सेकंड क्या है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको एमसीए में भी सिलेबस मिलेंगे। डेटा स्ट्रक्चर है, लिनक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग है जो कि एमसीए के फर्स्ट पार्ट में हुआ करता था, अभी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। फिर आपका है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है जिसमें ग्राफ थ्योरी भी पढ़नी है, नेट या गेट का एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में से पूछे जाते हैं। डा है, डा आपके अगर किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं तो डा आपके वो एक अहम भूमिका निभाता है, डा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, अगला जो पेपर है। इसके बाद फिर आपका है ऊप्स कॉन्सेप्ट यूजिंग C++, तो इसमें ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे बनता है C++ के थ्रू, सारी चीज़ें आपको क्लियर की गई हैं। फिर आपका है मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये बेसिकली आपका मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपका चाहे डेटा माइनिंग हो, डेटा वेयर हाउस हो या बड़ी बड़ी कंपनीज जो बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करते हैं उनके लिए DBMS बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर की, तो ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर है ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई जगहों पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर की तरफ, जो कि है पहला आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हो, विंडोज़ यूज़ करते हो, लिनक्स यूज़ करते हो, और मतलब इसमें जो पढ़ना है आपको टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देखेंगे हम लोग सिलेबस को और एक्सप्लोर करेंगे, आपका बहुत ही मज़ेदार सिलेबस है। ऑपरेशन रिसर्च में बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च में आपका कैसे जो है सिस्टम्स काम करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। डेटाबेस, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, तो बेसिकली इसका नाम DCN है जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग पर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे बनते क्या है कि सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल क्या है, मॉडल्स क्या हैं सॉफ्टवेयर के और उन मॉडल का कैसे यूज़ करते हैं, डिबगिंग क्या है, कोडिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, तो जो जावा का सिलेबस है वो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको कुछ HTML का पार्ट, एप्लेट का पार्ट, जावास्क्रिप्ट का पार्ट पढ़ाया गया है। न्यूमेरिकल मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को समस्या होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, न्यूमेरिकल मेथड में। तो ये जो आपका सिलेबस है ये आपका पूरी तरह से कैलकुलेटेड, मतलब कैलकुलेटर बेस्ड होता है, पर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये रूल है। तो फिर भी परेशान नहीं होइएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे आगे की चीज़ों में। फिर यार मज़ेदार चीज़ है आपका .NET है, .NET विद C#, बहुत ही मस्त चीज़ है, आपको सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार। फिर आपका एम्बेडेड सिस्टम है, एम्बेडेड सिस्टम अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स से मज़ा आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में तो आपको एम्बेडेड सिस्टम अच्छा लगेगा पढ़ने में। कंप्यूटर ग्राफिक्स है, तो कंप्यूटर में जो माउस के पॉइंटर कैसे बनेंगे, कैसे विंडोज़ बनेगा,
ये सारी चीज़ें आपको सी प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स में बताया गया। सिक्योर कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटर में मतलब एक तरह से कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक बोल सकते हैं इसको, सिक्योर कंप्यूटिंग को। एडवांस DBMS है, तो DBMS का जो क्वेरीज वगैरह हैं उसके बारे में ये यहाँ पर है। और फिर आपका मिनी प्रोजेक्ट है, तो कुछ हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह डिज़ाइन करेंगे BCA के सिलेबस में, हर में मिनी प्रोजेक्ट होता ही है। इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग क्या है आपका? इमेज प्रोसेसिंग जो है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि किसी इमेज को ब्लर कैसे करें, ग्रे स्केल क्या होता है, डार्क स्केल क्या होता है, इन्वर्टेड इमेजेस क्या होती हैं, और जो आप देखते हो आजकल आपके हेलमेट से ना होने पे चलान वगैरह, ये सब इमेज प्रोसेसिंग की मदद से आपकी इमेज को मेंशन किया जाता है। फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन डीप लर्निंग के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग में है। फिर मल्टीमीडिया सिस्टम है, इससे तो आप परिचित हो ही। फिर आपका मेन प्रोजेक्ट है जो कि आपको अच्छे मार्क्स गेन करवाता है, और मेन प्रोजेक्ट आप तभी बना सकते हैं जब आप ऊपर ऊपर के सिलेबस को अच्छे से कवर अप किए रहेंगे। आइए सिलेबस का थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो जो पहला सिलेबस है वो बेसिकली आपका आपका ये जो सिलेबस है ये अधिकतर मैट्रिक्स पर और कैलकुलस पर बेस्ड है, जिसको हम ऐसा एक नाम दे सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग भी, मतलब लीनियर मैथमेटिक्स इसका नाम दे सकते हैं, जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, इंटीग्रल को पढ़ेंगे, लेवेंटीज थ्योरम वगैरह, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो आपका सिलेबस है स्टैटिक्स का, इसमें आपका मीन मीडियन मोड। अब आपको लगता है कि सर ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ें, तो जब आगे आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ोगे तो उसमें इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज़रूरी है, और इसके बिना आप मशीन लर्निंग को सोच भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपको मशीन लर्निंग वगैरह में काम आने वाली हैं। आप अगर मशीन लर्निंग सीखना चाहेंगे, आगे कुछ ऐसी चीज़ें सीखना चाहेंगे तो आपको ज़रूरी है। तो बेसिक सर्किट एनालिसिस, जिसमें आपको अधिकतर ये जो टॉपिक कवर अप करते हैं, ये आपके पिछली क्लासेस जो आपने 10th से लेकर के 12th तक में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। बेसिक जो सिलेबस है वो सेमी कंडक्टर को कवर अप करता है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को कवर करता है, जिसमें आप ओम्स लॉ वगैरह को देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, डिट्रोड क्या होता है, इन सब के बारे में मैथ्स एनालिसिस करेंगे, सर्किट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें लॉजिक फैमिलीज की, तो उसमें आपको TCL, DTL, TTL, RTL, FET, इन सब को कवर अप करना है, इनके सर्किट डायग्राम को बनाने, इनके ग्राफ बनाने हैं। प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, मतलब इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया जाता है पर यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो है RTL, DTL, TTL, ECL, MOS, CMOS, इन सब के बारे में डिस्कस करा गया है। और फिर आपका इलेक्ट्रिक मेजरमेंट है, टू डायमेंशनल, और वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, आपका मीटर कैसे काम करता है, पावर क्या है, वोल्टेज क्या है, ये सब के बारे में डिस्कस करा गया है यहाँ पे। और आगे बात करें तो सी लैंग्वेज है यार, सबसे मस्त चीज़ है यहाँ पे, सारे ऑपरेटर्स डिस्कस करे गए हैं, स्ट्रक्चर क्या है, आपका एल्गोरिथम क्या होता है, सिंपल प्रोग्राम क्या होता है, डेटा टाइप क्या है, उनके साइजेस क्या है, इसके बारे में बताया गया है, फाइल्स। अब उसके बाद आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर व्हाइल, डू व्हाइल, इन सब के बारे में बताया गया है, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत ही ज़रूरी जो नींव है वो ये है। सी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, एरे के बारे में बताया गया है, डायरेक्टरी बताया गया, मैक्रो बताया गया है, प्रोसेसिंग बताया गया, फाइल हैंडलिंग बताया गया है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप सी नहीं पढ़ते हैं तो आपने समझ लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा प्रोग्रामिंग में, तो अगर आप सी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाती हैं। अब ये आपका इंग्लिश का स्किल है, आप कम्युनिकेशन है, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाता है कि वर्बल्स कैसे बोलने हैं, कहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग करना है, अपना प्रोफेशनल इंट्रो कैसे देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। मास कम्युनिकेशन कैसे, मतलब यानी बहुत सारी भीड़ हो उसके बीच में आपको आई कांटेक्ट कैसे बनाना है, बहुत सारे लोगों के बीच में कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें आपकी इस
कम्युनिकेशन स्किल में आपको समझाई गई हैं। आगे देखें हम लोग तो बिजनेस सिस्टम है, और बिजनेस सिस्टम में आपको कैसे जो है पेरोल बनाना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनना है, आपकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कहोगे सर ये बताइए इन्वेंट्री और ये सारी चीज़ें पढ़ के हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या फ़ायदा है, तो देखो यार फ़ायदा है। अगर आपको कभी ऐसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना हुआ तो आपको ये सारी कहानी पता होनी चाहिए तभी बना पाओगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं और इसको कवर अप करा गया है। फिर जो मैथमेटिक्स का अगला सिलेबस है BCA सेकंड सेमेस्टर का, तो उसमें क्या है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि आपका जो लीनियर मतलब एक तरह से कह सकते हो रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एनालिसिस किया गया है, और जो भी चीज़ें कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम और लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर्व, आपका रिडक्स कॉम्प्लीमेंट वगैरह और डाइवर्जेंस कर्ल वेक्टर, ये सारी चीज़ें हैं, लैम्डा थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं, टेलर सीरीज वगैरह है, जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है मैथमेटिक्स का, आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ता है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जैसा मैंने बताया कि सेमी कंडक्टर को कवर अप किया गया है, तो आप देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन डायोड में आपको दो तरह के सेमी कंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग वगैरह क्या है आपका, किसी सेमी कंडक्टर को मतलब किसी भी ऐसे कंडक्ट किसी को जो है किसी सेमी कंडक्टर कंडक्टर कैसे बनाते हैं, उससे रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर के वोल्टेज को मेज़र करेंगे, LC करंट, DC करंट, RC करंट ये निकालेंगे, सबका हम लोग इंडक्टेंस निकालेंगे, Z की वैल्यू निकालेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की गई हैं। अच्छा टॉपिक है, आप इसको भी पढ़ें ध्यान से। बाईपोलर ट्रांजिस्टर, और बाईपोलर ट्रांजिस्टर में आपका मतलब ट्रांजिस्टर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कवर की गई, एम्पलीफायर बनाया गया है, बायस कंडीशन क्या है आपका, ठीक है, फॉरवर्ड बायस क्या है, बैकवर्ड बायस क्या है, ये सारी चीज़ें, डिप्लेशन लेयर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। फिर अगर हम बात करें फील्ड इफेक्ट की, फेट की, देखो इसका नाम ही है फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर का एक एग्जांपल है, पावर सप्लाई है, पावर सप्लाईज में ब्लॉक डायग्राम बनाना, तो पावर सप्लाई की जरूरत, आप अगर किसी CPU को देखें तो हर CPU में एक पावर सप्लाई ज़रूर होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। खैर वो CPU की पावर सप्लाई नहीं बल्कि पावर सप्लाईज बनती कैसे उसके बारे में है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें आपका जो सिलेबस कवर किया गया है वो डिजिट बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपका अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की तो नंबर सिस्टम आपका कवर हो जाता है। यहाँ पर आपका जो सर्किट्स हैं बेसिक सर्किट, यानी जो बुलियन अलजेब्रा है उसको कवर करेंगे, लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे, लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, लॉजिक गेट के थ्रू हम सर्किट्स बनाएंगे, एडर सब्सट्रैक्टर फुल एडर काउंटर रजिस्टर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। फिर क्या है आपका डेटा स्ट्रक्चर है, आपके चाहे अगर कंप्यूटर की किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डेटा स्ट्रक्चर के आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो बिना डेटा स्ट्रक्चर के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना अगला, लिनक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, आप सभी को पढ़ना चाहिए, लिनक्स में कैसे कमांड्स काम करते हैं, कैसे CD क्या है, LS क्या है, LS-L क्या है, CP क्या है, MD क्या है, MKDIR क्या है, RMDIR क्या है, CAT कमांड क्या है, ठीक, मैन कमांड क्या है, मोर क्या है, लेस क्या है, CMP क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ, बहुत सारे कमांड, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, टच कमांड क्या है, फाइल क्या है, और फाइल प्रिंटिंग क्या है, स्लीप क्या है, प्रिंट क्या है, ये PS कमांड क्या है, किल क्या है, बहुत सारी चीज़ें, शेड्यूलिंग वगैरह से रिलेटेड है, सेल प्रोग्रामिंग है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, मज़ेदार चीज़ है, सबको आना चाहिए। लिनक्स प्रोग्रामिंग है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जिसमें क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक मॉडल को बताया गया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के मॉडल को कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। GUI वगैरह कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया, क्या उसका बेनिफिट है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है,
थ्योरेटिकल पोर्शन है ज़्यादा। उसके बाद ग्राफ थ्योरी है, यार देखो ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हो तो अधिकतर क्वेश्चन आपको ग्राफ थ्योरी से मिलने वाला है, जो कि उसको नॉर्मल फॉर्म मतलब एक तरह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर पूरी तरह से कवर अप किया गया है। आगे चलें डा पे, तो भाई देखो डा तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी भी बात की जाए कम है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें तो डा एक अहम भूमिका रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, और ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबली लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग, और आपका जो इनपुट वगैरह है, लिंकर क्या है, लिंकर एलोकेशन क्या है, मैक्रो क्या है, पास स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल प्रोग्रामिंग की कहानी क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वगैरह के बारे में है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की गई हैं। तो अगला है आपका जो है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ही मज़ेदार है। क्वेरीज हैं, ज्वाइंस हैं, प्रोजेक्ट हैं, अपडेट वगैरह कैसे करना है, टपल रिलेशन क्या है, इंटिटीज क्या है, ईआर मॉडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो है वो आपका क्या है, अगला टॉपिक है आपका आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर। इससे आप बच नहीं सकते हैं, हर जगह पे पढ़ना ही होता है, और ये भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपके जो है एमटेक वगैरह के में आपका ये सिलेबस होता है अधिकतर, और अच्छे से पढ़ना पड़ता है एमटेक वगैरह में। ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टाइम शेयरिंग क्या है, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी यूज़र क्या है, मल्टी नेटवर्क क्या है, इंटर प्रोसेस क्या है, डेडलॉक क्या है, आपका सेमाफोर्स क्या है, मतलब नेट का जो एग्ज़ाम अगर आपका आप JRF का एग्ज़ाम देते हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना चाहिए। और आते हैं हम लोग इसके लिए अगला जो है अपना ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें हमको डायग्राम पढ़ना है, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम पढ़ना है, प्रोसेसिंग पढ़ना है, बहुत सारे जॉब्स हैं मशीन के लिए वो कैसे काम करेंगे, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, सिंप्लेक्स कॉम्प्लेक्स डुप, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर कवर अप करनी है। तो इस तरह से ये आपका है, और सबसे मस्त जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको पूरी नेटवर्किंग के बारे में बताया गया है, जिसमें आपके बैंडविड्थ क्या है, OSI मॉडल्स क्या है, ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं। आजकल देख रहे हो आप सारी चीज़ें इंटरनेट बेस्ड हैं, तो बिना नेटवर्किंग के क्या हो सकता है, तो इसलिए नेटवर्किंग पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, और सब किसी को नेटवर्किंग पढ़ना ही चाहिए अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी सीखना चाहते हैं। तो बहुत सारे अपडेटेड सिलेबस भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो सर्किट स्विचिंग वगैरह है, आगे आप अगर सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं, और आप कभी वॉइस चैट वगैरह बनाते हैं, VOIP काम करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट DNS वगैरह के पता होने चाहिए, तो आपके लिए नेटवर्किंग एक अच्छा ऑप्शन है, आपको पढ़ना है। और आगे की बातें करें हम लोग, तो देखते हैं अपना अगला क्या है, अगला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हम कोडिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, डिबगिंग क्या है, सॉफ्टवेयर मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, ये सब MIS क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कवर करते हैं। एक कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर क्या फीचर्स हो सकते हैं, किन फीचर को वो टारगेट करता है, किसी सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा तो जावा तो पढ़नी ही चाहिए, जावा मतलब हर जगह पर यूज़ हो रहा है, चाहे आपका वेब टेक्नोलॉजी हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, आपके मोबाइल में जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो, अभी हो सकता है कुछ 2 मिनट पहले बंद किया हो, उसको भी आप जावा में बना सकते हैं। तो जावा हर किसी को पढ़ना चाहिए, जावा बहुत ही एडवांस है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप जावा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, 2500 साल तक लोग इस पर रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बिलियंस ऑफ पीपल इसको यूज़ करते हैं। तो जावा जो है, जावा में आपका जो सिलेबस है BCA का वो बहुत ही बेहतर है, आप उसको भी देख सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड है, जिसमें ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, और सबसे अजीब बात है कि इतना टफ होते हुए बिना कैलकुलेटर के आप इसको नहीं कर सकते हैं, फिर भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसको पता नहीं क्यों कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है,
ये दुख की बात है यार, थोड़ा सा हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है कि नहीं भाई तुमको करना भी है, वो भी बिना कैलकुलेटर के। तो सारी इंडस्ट्री, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ करके अगर पूरे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, पूरे भारत में किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो सब लोग कैलकुलेटर ले जाने के लिए अलाउ करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं कहता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहता है कि भाई तुम मर जाओ चाहे जैसे करो, आपको ये करना है वो भी बिना कैलकुलेटर के। कोई बात नहीं यार, हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी अगर एक हम लोगों के पास प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको सॉल्व करना तो हमको आता ही, तो ये भी हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के करना है। वैसे ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं करते हैं, जिसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको दी जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ कैलकुलेटर से ही किया जाए। यार देखो, सबसे मस्त, सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा C#.NET फ्रेमवर्क। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, GUI पे काम कर रहे हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, क्रोमियम यूज़ कर रहे हो, ओपरा मिनी यूज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, सब कुछ C# से बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। तो आप देखोगे आपका जो कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल है, जो GUI दिखता है, वो सब C# पे बने हैं। तो बहुत ही अच्छा है, आपको सीखना चाहिए, और ये मज़ेदार टॉपिक है। अगला है आपका आपका एम्बेडेड सिस्टम है यार, ये भी थोड़ा सा टफ है टॉपिक, और लेकिन माइक्रो कंट्रोलर वगैरह की सारी थ्योरी को यहाँ पर, चिप को, IC कैसे काम करता है, और कुछ इन सब चीज़ों को यहाँ पर कवर अप किया गया है। प्रोग्रामिंग भी है, GNU डेवलपमेंट भी है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, मतलब अच्छा सिलेबस है ओवरऑल आप कह सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स है, इसमें लाइन ड्रॉ करना, माउस के पॉइंटर को डिज़ाइन करना, जो विंडो होता है उस विंडो को डिज़ाइन करना, LED बनाना, LED पर जो है कोई भी डिस्प्ले करना, डिस्प्ले किसी भी, अगर आपके पास जो है कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसमें कैसे किसी लाइन को, किसी सर्कल को, किसी रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग, तो आप इसको देखेंगे, आपके लिए अच्छा टॉपिक है, आप सीख सकते हैं इसको भी। देखो जो BCA वगैरह का सिलेबस है, ये अधिकतर प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन कहीं कहीं से थ्योरी भी आपको दिखता है तो यार दिमाग ख़राब होता है, लेकिन थ्योरी बहुत ही आवश्यक है, आपको सीखना चाहिए, इससे बच नहीं सकते आप। अब देखो यार, कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें तो इनमें आपका इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, पब्लिक की, प्राइवेट की, प्रोटेक्टेड की, चिपर्स क्या हैं, वेब बेस्ड वॉलेंट्रीज क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे अपने कंप्यूटर को सिक्योर करें, मैकेनिज्म क्या है, ओनियन मॉडल क्या है, डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर कवर अप किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी एंड नेटवर्क के बारे में, इल्यूजन्स क्या है, फाइल प्रोटेक्शन क्या है मैकेनिज्म, और सारी फाइल डायरेक्टरी के बारे में यहाँ बताया गया कि फाइल क्या है, डायरेक्टरी क्या है, आपकी डायरेक्टरी को कैसे मैनेज करें, कैसे मैनिपुलेट करें, उसके साथ हैंडलिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की गई हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये जो है आपका एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका क्लस्टरिंग क्या है, मतलब ये पूरी तरह से डेटा वेयर हाउस की तरफ आपको इंडिकेट करता है, डेटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है, और बहुत सारे चीज़ें इसमें कवर अप की गई, पूरी तरह से एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका रियल लाइफ में क्या इश्यू है, इन सबको कवर अप किया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग, और अगला जो है आपका है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में आपका 2D लीनियर सिस्टम क्या है, लुमिनिकेस्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ब्राइटनेस क्या है, कलर क्या है, विजिबिलिटी क्या है, आपका डार्क स्केल, डार्क इमेज क्या होता है, ग्रे स्केल क्या है, लीनियर इमेज क्या होता है, कैसे इमेज को सर्च करें, मतलब इमेज में से किसी डेटा को कैसे निकालें, आजकल आप देख रहे हो मास्क के बिना चालान कट जा रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे आपकी हो रही हैं डीप लर्निंग के थ्रू, ये सब आपका OMR रीडर वगैरह कैसे काम करता है, ये सब के बारे में यहाँ पर। इमेज प्रोसेसिंग एक बेहतर टॉपिक है, आप डेली यूज़ करते हो पर कैसे काम करता है इसके बारे में आपको पता नहीं होता है, तो आपको ये भी इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। आगे बात करें मल्टीमीडिया की, तो यार देखो मल्टीमीडिया से तो आप परिचित हो ही, लेकिन आप जिस मल्टीमीडिया को समझ रहे हो ये वो मल्टीमीडिया नहीं है, इसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं आपकी, और जो आप सिलेबस इसका देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब कुछ और, कि आपका जो है बेसिक
वीडियो और ऑडियो के बारे में ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट वगैरह के बारे में है। अच्छा टॉपिक है, आपको सबको सीखना चाहिए। आगे देखें अगर हम अपना अगला जो कि इम्पॉर्टेंट है तो वो है भाई प्रोजेक्ट। और अगर आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी तो आप एक सॉफ्टवेयर तो बनाओ ही। तो सबसे यही रहता है, मैं यही कहता हूँ कि भाई देखो, अगर आपने BCA करा तो अगर फाइनल ईयर में आप कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बनाए तो आपका सारा पढ़ना बेकार है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे वो मिनी प्रोजेक्ट हो चाहे मेजर प्रोजेक्ट हो, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएं, उसका आप अच्छे से एनालिसिस करें और देखें क्या रियल लाइफ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छे खासे से बेच करके आप पैसे भी कमा सकते हो। तो कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं। और तो हम ये जो सिलेबस आपको बताए हैं, ये सारे सिलेबस को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। सब कुछ हम लोग हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके लिए आपको एक सिर्फ एक काम करना है, आपको BCA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिख करके आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा होगा, वहाँ पर कॉल कर लीजिए। ठीक, तो ऑफिशियल वेबसाइट भी है हमारी, वहाँ पर भी आप विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप कहीं से भी कॉन्टैक्ट करिए और सारी चीज़ों को अपना लीजिए, सब कुछ सीख लीजिए, पढ़िए, समझिए। तो अभी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, उस कमेंट से हमको आपके लिए क्या बेहतर हम कर सकते हैं उसकी जानकारी हमको मिलती है। तो आई होप सबको ये जो मैंने सिलेबस का ओवरव्यू इतने कम समय में दिया है आप सबको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो आप जो है कमेंट करके बताएं, अगर मज़ा आया वीडियो देख के तो यार लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि देखिए कैसा सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।